हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडेज वीडियो इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच ऑल ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड दैट इज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट विच इज कॉल्ड एज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम सो येस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको इस पूरे पूरे वीडियो में से जो भी नॉन इंटीग्रेटेड के प्रॉब्लम्स है जो भी कॉस्ट कंट्रोल में आपके डाउट्स है सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस पूरे चैप्टर के ऊपर मैं दो वीडियो लाने वाला हूँ आज के सेशन में हम लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जर्नल एंट्रीज को कैसे याद रखना है तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स आर डूइंग व्हाट दे आर बाटिंग द एंट्रीज दे आर मगिंग ऑफ द एंट्रीज तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो जर्नल एंट्रीज है इसको फ्रेम कैसे करें हाउ टू रिमेम्बर दिस जर्नल एंट्रीज तो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि हाउ टू फ्रेम द जर्नल एंट्रीज जो थंबनेल में लिखा है वही मैंने आपको इस वीडियो में बताना है तो वीडियो में जो बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दे सो so दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे तो बेसिकली अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड की बात करें देखो ये चैप्टर जो है दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स ये चैप्टर को कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स के नाम से बोला जाता है जिसको एक्चुअली इट्स नॉन इंटीग्रेटेड देखो देर आर टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स विच आर मेंटेन एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड लेकिन आपके सिलेबस में इंटीग्रेटेड नहीं है आपके सिलेबस में सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड है सो so, फिलहाल थोड़ा सा सिंपल डिफरेंस समझते हैं देखो कॉस्टिंग में अब तक आपने जितने भी चैप्टर सीखे हैं सारे के सारे चैप्टर्स जो थे that was formula base this is the only chapter which is related with journal entries and those students who are finding it difficult uh, they are putting this in option so i will also suggest to you that put this chapter in option but फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कितना इजी है देख लो उसके बाद आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट मत करना बिकॉज इसके अल्टरनेटिव में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे फॉर ट्वेंटी मार्क्स और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें जर्नल एंट्रीज नहीं पूछे जाती जिसमें आपको लेजर अकाउंट्स पूछे जाते हैं एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट दैट जर्नल एंट्रीज आर द बेस अनलेस एंटिल यू पास द जर्नल एंट्रीज यू के नॉट पास दी प्रिपेयर दी लेजर अकाउंट तो इसीलिए जर्नल एंट्रीज आए बिना हमें लेजर बनाने नहीं आएगा तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन मैं आपको एक भी जर्नल एंट्रीज आपको बाहर नहीं करना है कुछ ही ऐसे एंट्रीज है जो आपको याद रखनी है बाकी सारे एंट्रीज हम फ्रेम करना सीखेंगे तो लास्ट तक बने रहे देखो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है मैं अगर यहां पर लिखू नॉन इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है जहां पे टू सेपरेट टाइप्स ऑफ बुक्स मेंटेन किए जाते हैं सेपरेट बुक्स यहाँ पे मेंटेन किए जाएंगे वन विल बी प्रिपेयर बाय कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अदर बुक्स विल बी प्रिपेयर बाय द फाइनेंशियल अकाउंटेंट सो दोनों के दोनों अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं सिंस अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं तो दोनों का प्रॉफिट भी अलग अलग होगा और सिंस दोनों का प्रॉफिट अलग अलग होगा तो दोनों के प्रॉफिट को रिकनसाइल भी करना पड़ेगा आपने सेमेस्टर सेमिस्टर फाइव में एक चैप्टर पढ़ा था रिकनसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सो दिस इज दार्ट वेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट इज डिफरेंट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट इज डिफरेंट एज यू आर अवेर अबाउट दैट कॉस्ट अकाउंट एंड रिकॉर्ड ओनलीस्टिंग रिलेटेडियल अकाउंट एवरीथिंग दैट इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो ये नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग में बहुत सारे कंट्रोल अकाउंट बनते हैं ये नाम याद रखना कंट्रोल अकाउंट इसलिए देखो आप हर अकाउंट के सामने कंट्रोल अकाउंट लिखते हैं स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवर इट्स कंट्रोल अकाउंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स कंट्रोल अकाउंट वेरियस काइंड ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स आर प्रिपेयर बिकॉज वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स इन दैट और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट है वो है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आपको याद रखना है ये नाम दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट देखो कॉस्ट कंट्रोल को एक अलग नाम से भी जाना जाता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सो इसको अलग नाम से भी हम जानते हैं विच इज कॉल्ड एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सो so, ये कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में कैसे एंट्रीज होते हैं और एक प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सारे एंट्रीज तो वो कर लेते हैं लेकिन लेजर में जब हम क्लोज करते हैं तो कौन से लेजर का बैलेंस कौन से लेजर में भेजना है ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपके धीरे धीरे क्लियर करूंगा लेकिन सबसे पहले आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए सो व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट इट इज वन काइंड ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वेयर वी आर प्रिपेयरिंग वेरियस काइंड ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो सेपरेट बुक्स मेंटेन किए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट अपना अलग बुक मेंटेन करता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना अलग बुक मेंटेन करता है और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग में ही कॉस्ट लेजर अकाउंट बनाया जाता है सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स विच वी आर प्रिपेयर इन प्रिपेयरिंग इन दिस नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड अगर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें दोनों कॉस्ट अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट एक ही सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं सो यही है बेसिक्स so, जिससे आपको ध्यान रखना है अब हम जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली जर्नल एंट्रीज क्या है उसके पहले थोड़ा सा बेस जो थियोरी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी आपको बताया तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे के पॉइंट्स को लास्ट तक बने रहे सो दैट so आपके और भी पॉइंट्स क्लियर हो पाए चलो देखो मैंने जो आपको चीजें बताई है वही मैंने पीपीटी फॉर्मेट पे लाई है एक बार चेक कर लेते देखो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम वेयर टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन तो दिस कैन बी हेल्पफुलर यू फॉर राइटिंग द शॉर्ट नोट या ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कॉस्ट लेजर अकाउंट इज में ऑलरेडी आपको बताया कॉस्ट कंट्रोल इन द कॉस्ट लेजर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो जितना भी आपको बैलेंस मिलेगा वो सारा का सारा बैलेंस हम कहा ट्रांसफर करने वाले कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सो इतने सारे लेजर्स आपको प्रिपेयर करना है दीज आर दिच वी आर गोइंग टू प्रीपेयर

पहले आप जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करें, फिर जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर को बनाए लेजर बनाने के बाद जितने भी आपके लेज़र्स होंगे उसके बैलेंसेस को काउंट करें बैलेंसेस को काउंट करने के बाद वहां से एक, एक लेजर में से दूसरे में बैलेंस भेजे उससे बेटर है आप कोई भी दूसरा चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन हमेशा मैं बोलता हूं कि जो भी चैप्टर है आप पूरा का पूरा ऑप्शन में मत रखना बिकॉज सिंस इट्स अ साइकोलॉजी की ये अगर हम ऑप्शन में रखने वाले हैं तो इसको क्यों पढ़े तो लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ के रखना बिकॉज कभी ऐसा हो सकता है कि इसके अल्टरनेटिव में जो भी क्वेश्चन आए वो अगर डिफिकल्ट हुआ तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आपको इस चैप्टर के बेसिक जितने भी पोस्टिंग्स होंगे बिकॉज इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस इज दी चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू पोस्ट ऑल दी एंट्रीज तो जितने भी पोस्टिंग होने वाले हैं सारे के सारे पोस्टिंग इस चैप्टर में आपको मार्क्स देंगे बिकॉज लेजर पोस्टिंग्स के यहाँ पे मार्क्स आपको मिलेंगे आगे स्टार्ट करते हैं देखो हाउ टू फ्रेम द जर्नल एंट्रीज तो अभी हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जर्ल एंट्रीज को कैसे याद रखें नंबर वन इज मटीरियल्स परचेज देखो इस चैप्टर में मटेरियल जहां पे भी वर्ड आएगा उसके लिए आपको नाम याद रखना है स्टोर्स हमेशा याद रखना मटेरियल्स जहां पे भी आएगा दैट विल बी रिलेटेड विथ स्टोर्स सो आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा जर्नल एंट्री सिंपल है मटेरियल्स आपने परचेस किया है तो आपके पास मटेरियल्स आए डेबिट व्हाट कम्स इन मटेरियल्स इज कमिंग इन तो मटेरियल्स के लिए आपके पास क्या वर्ड मैंने आपको अभी बताया स्टोर्स तो लेजर तो कंट्रोल होगी वो सारी की सारी एक ही कंट्रोल अकाउंट से होगी दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट देखो मैंने आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के लिए एक दूसरा नाम भी बताया था जनरल लेजर एडजस्टमेंट जिसको जी नाम से भी जानते हैं

ठीक है नेक्स्ट इज मटीरियल रिटर्न अगर हम रिटर्न की बात करें कुछ नहीं ये एंट्री जो अभी आपने ऊपर किया है इसका रिवर्स एंट्री करना है मतलब एंट्री हो जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट इज मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन देखो आपको एक और एक पॉइंट बताता हूं जहां पे भी ऐसा वर्ड आएगा इशूड टू प्रोडक्शन सो जहां पे भी इशूड टू प्रोडक्शन वर्ड आएगा वहां पे आपको याद रखना है डब्ल्यू आई पी डब्लू आई पी इज वर्क इन प्रोग्रेस

सो एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवर एट्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटीरियल्स इज रिलेटेड विद तो एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवर एट्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ वेजेस नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो इसके लिए एक ही मैं आपको एंट्री बताता हूं पेमेंट ऑफ वेजेस हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जहां पे भी आपको मिलेगा पेमेंट ऑफ वेजेस या पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ओवर हेड्स आपको याद रखना है नॉर्मली अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस पे करेंगे तो आपका एंट्री बनता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक पे हमें कैश बैंक नहीं लिखना है वी विल नॉट राइट कैश कैश बैंक बैंक इन दिस चैप्टर के जगह पे हम लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल देखो पेमेंट ऑफ वेजेस एंट्री विल बी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होना चाहिए था तो इसके लिए हमने लिखा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट इज वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन सो अभी हमने सीखा था जहां पे भी प्रोडक्शन आएगा वॉट एवर इज चार्ज टू प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए क्या वर्ड आता है डब्ल्यू आई पी दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट सो वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन इफ फैक्ट्री ओवर चार्ज टू प्रोडक्शन एंट्री विल बी डब्ल्यू आईपी टू फैक्ट्री ओवर हेड सो वॉट एवर इज चार्ज टू प्रोडक्शन आपको याद रखना है कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन को चार्ज की तो डब्ल्यू आई पी हमेशा डेबिट और जो भी चार्ज किया होगा वो क्रेडिट नेक्स्ट इज वर्स ओवर हेड स्पेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ओवर हेड स्पेड ऑफिस ओवर हेड स्पेड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड स्पेड जहां पर पे भी पेड आएगा पेड में आपको याद रखना है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बिकॉज इन केस ऑफ नॉर्मल एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसका एंट्री क्या करेगा वर्क ओवर टू कैश बैंक बट हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम सीख रहे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम या कॉस्ट कंट्रोल में कैश बैंक नहीं आएगा उसके क्रेडिट साइड में कैश बैंक रिप्रेजेंटेड बाई कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट सो वॉट यू आर पेइंग वर्क ओवर यूर पेंग एंट्री विल बी वर्क ओवर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ऑफिस ओवर पेड अगेन सिंपल एंट्री ऑफिस ओवर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट selling overheads paid selling overheads control account debit to cost control account no need to buy at anything it's very related with the base unless and until your base is clear you cannot remember the entries otherwise students are doing what they are just mugging up the entries and after mugging up whatever points arises while solving they are not able to recollect the entries as concerned so that is why we need to first understand the basics of the entries then we can easily remember फॉर फ्रेमिंग दी जनरल एंट्रीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स पेड तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट नाउ हियर आर समी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेम्बर बिकॉज जैसे आपने मटेरियल्स लाया जैसे आपने वेजेस के पॉइंट हराइज हुए वेजेस के बाद अगर हम फैक्ट्री की बात करें फैक्ट्री हुआ ऑफिस हुआ सेलिंग हुआ अब आपका जो फिनिश गुड्स होगा वो प्रोड्यूस होगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है ये कोई भी क्वेश्चन हो आपके क्वेश्चन के पेपर में आ सकती है दैट इज फिनिश गुड्स प्रोड्यूस फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट तो ये आपको याद रखनी है सिर्फ ये तीन एंट्रीज याद रखनी है बाकी सब तो आपको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं देखो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस तो क्या प्रोड्यूस किया है फिनिश गुड्स तो एंट्री होगा फिनिश गुड्स टू डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट तो सिंस डब्ल्यू आई पी क्यू के लिए वर्किंग प्रोग्रेस जब होगा उसके बाद ही आपको फिनिश गुड्स मिलेगा नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कभी कभी पूछा जाता है विच इज कॉल्ड एज सी ओ जी एस तो सी ओजीएस अगर दिया गया तो आपका एंट्री होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट और सेल्स सेल्स की एंट्री है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाने के बाद जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस होगा दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस सो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाओ या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ जैसे सेल्स के लिए कोई कोई एंट्री करता है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंडल इट इज ऑल्सो राइट बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम बैलेंस कॉस्टिंग पीएंडल में ही भेजते हैं और कॉस्टिंग पीएंडल से हम फाइनल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भेजेंगे तो दैट इज वाई इवन इफ यू राइट ओवर हियर कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्टिंग पी एंडल नो प्रॉब्लम इट्स सिमिलर तो इतनी बेसिक्स है ये अगर बेस आपने इतने सारे एंट्रीज़ पढ़ लिए चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अभी इसी के बेस पे मैं अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अगर आपने ये बेसिक्स जो है वो अगर ध्यान से समझ लिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके बुक्स में काफ़ी सारे जर्नल एंट्रीज आपको दिए है लेकिन कोई भी क्वेश्चन आए ये जर्नल एंट्रीज तो आपको आने ही चाहिए अगर ये जर्नल एंट्रीज आपको नहीं आते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं इसका मैं जो पी है वो टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर अभी आपको ये इतने सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना सो so दैट ये नॉन इंटीग्रेटेड का जो आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहा है जितने भी स्टूडेंट्स को नॉन इंटीग्रेटेड में डर लग रहा है जितने भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है नॉन इंटीग्रेटेड इज डिफिकल्ट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा कि बेसिकली आपको ये नॉन इंटीग्रेटेड का जो डर है वो निकल जाएगा चलो थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर लिसनिंग अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना टिल देन एज ऑलवेज़ Work harder, be smarter.